तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो मैं हूं साहिल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नवी वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस i12 एयरपोड्स के बारे में। ये काफ़ी ही मशहूर हैं क्योंकि ये ब्लूटूथ वाले हैं, क्योंकि वायर वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ज़्यादातर। तो और देख सकते हैं आप, ये i12 के TWS कंपनी के ट्रू वायरलेस हेडसेट हैं। तो चलो आज गाइज हम इसको देखते हैं कि ये पूरी आज हम उसके रिव्यू दिखाएंगे आज इसका। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले तो आप लाइक कर लें और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज हम इसको खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहले तो ये आ जाते हैं एयरपोर्ट्स में। आप ये देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है। और अगर हम इसके अंदर देखें तो इसकी क्वालिटी तो गाइस बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऑन होते हैं। अगर आपको दिखता हो तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ब्लू रंग की एक लाइट जग रही होगी। ये देखिए, मतलब ये ऑन हो चुके हैं। तो अंदर ये देखिए आ जाते हैं गाइस एयरपोर्ट्स, ये होने लगे हैं गाइस। ये चार्ज हो रहे हैं अभी, ये क्लिक करते ही ये चार्ज होने शुरू हो गए हैं। तो हम अभी इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारे इसकी अभी बैटरी फुल है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं और ये गाइस आ जाते हैं ये इसके एयरपोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये खोलते ही, और तो अगर एक बार बंद हो जाए तो ये जल्दी गिरने वाले नहीं हैं। तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम एयरपोर्ट्स को बाहर निकाल देते हैं। ये देखिए, अगर तो आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है तो पहले आपको सिंपली दोनों को बाहर आ लेना है और एक साथ रख लेना है, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अब ये एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट हो चुके हैं, तो अब ये यूज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो पहले आप इसको फ़ोन से कनेक्ट कर लें। ब्लूटूथ पर i12 नाम का एक आता होगा नाम, उस पर आप क्लिक करके इसको कनेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको आज हम दिखाते हैं कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका टच सेंसर दिया हुआ है, जिसको अगर आप दो बार क्लिक करेंगे तो साउंड चेंज हो जाएगा। आपको कोई कॉल पिक करना है तो आप इस पर क्लिक करके कॉल भी पिक कर सकते हैं। अभी ये कनेक्टेड नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हैं क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी दी गई है, और यहाँ मैग्नेट भी दिया हुआ है जिसके कारण ये सिंपली आराम से जाके वो अंदर चिपक जाता है। तो देख सकते हैं क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। तो ये है गाइज इसका बॉक्स, और साथ में हम देख लेते हैं इसके साथ और क्या क्या दिया गया है। तो इसके साथ दिया गया है गाइज मेन्यू और एक वायर। तो गाइज आप देख सकते हैं ये इसकी वायर और ये साथ में दिया हुआ है मेन्यू। तो हम आपको अभी यूज़ करके इसको अभी आपको हम पूरा दिखाते हैं इसके साथ कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर गाइज, ये सबसे बात जो अच्छी है वो है इसमें टच सेंसर दिया हुआ है, जो सिंपली क्लिक होने के बाद तुरंत कनेक्ट हो जाता है। तो अभी ये ऑफ हो चुके हैं क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है। तो ये देखिए, साथ में ये एप्पल क्लोन जैसा चार्जर भी दिया गया है गाइज, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए साथ में चार्जर भी दिया गया है। तो हम बात कर लें गाइज बैटरी बैकअप की, तो इसका बैटरी बैकअप कम से कम अगर आप एक बार इसको चार्ज करते हैं तो ये 2 घंटे आराम से चल सकते हैं। अगर आप हैवी यूज़र हैं तो 2 घंटे चल सकते हैं, नहीं तो आराम से 3 घंटे तो चल सकते हैं। और अगर फिर भी अगर ये लो हो जाते हैं तो आप इसको इस बॉक्स में डालकर सिंपली चार्ज कर सकते हैं। आप इसको 4 बार तक चार्ज कर सकते हैं, आप इस ईयरफोन्स को 4 बार चार्ज कर सकते हैं। 10 मीटर तक इसकी रेंज है, और क्वालिटी का गाइस काफ़ी अच्छी है, और इसका प्राइस भी ठीक है। ये गाइस आपको 300 में पड़ जाएगा, तो ये प्राइस काफ़ी ही ठीक है बाकी एयरफोन्स के मुकाबले में। और ये 6 घंटे तक आप यूज़ कर सकते हैं, 4 बार ही अगर आप चार्ज करते हैं तो आप 6 घंटे तक यूज़ इसको कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं या अमेज़ोन से भी बाय कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो गाइस हम इसका इसका अंदर रख के देखते हैं। तो गाइस
तो गाइज़ आप देख सकते हैं इसको रखते ही ये चार्ज होने लग गए हैं। ये देखिए ये चार्ज होने लग गए हैं। तो अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसको नहीं चार्ज करना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बंद कर लेते हैं क्योंकि इसकी बैटरी फुल है। तो गाइज़ इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। अगर मेरे पास एक माइक होता तो मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी भी दिखाता। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही, और अगर आप एयरपोड्स i12 लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न हो सकता है बाकी एयरफोन्स के मुकाबले में। इसका प्राइस भी ठीक है क्योंकि ये आईफोन के क्लोन जैसे दिखते हैं। कोई भी इसको देख के ये नहीं बता सकता कि ये आईफोन के क्लोन नहीं है। तो गाइज़ आप अगर तो बाय करना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से भी बाय कर सकते हैं, और लेकिन इसके साथ गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं तो आपको 10 दिनों तक रिप्लेसमेंट मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। तो चलो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।